हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस ए लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर चैप्टर एंड ओ लेवल बड़ा है तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन दो क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसमें से हर बार बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है इवान ट्राइज एंड ओ लेवल तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे इन द राइटर इज कॉल इंडेक्स जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आए अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में ये लाइन भी डाल देते हो दिस चैप्टर This question has been taken from the chapter O level written by Colin Dexter. So, impression अच्छा Starting line आप long question में तो so, examiner को लगता है कि भाई आपको chapter भी आता और आपके इसके नाम का भी पता है और इसके writer का भी पता है क्वेश्चन है हमारा but were वर द taken for द स्मूथ conduct ऑफ एग्जामिनेशन क्वेशन होता है सावधानियां क्या आपको क्वेश्चन समझ में आना भी जरूरी है जब तो आप लिखोगे कि क्या लिखना है मतलब कौन कौन सी सावधानियां ली गई ताकि पेपर जो है सही तरीके से हो सके स्मूथ होता है एकदम से बीच में कोई हर्डल ना आए बिल्कुल सही चलता रहे आंसर है इसका द गवर्नर ऑफ ऑक्सफोर्ड प्रिजेंट टू ऑल प्रिक्वेशन फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन अब कई बच्चों को यही नहीं पता होगा किस चीज का एग्जामिनेशन इस चैप्टर में एक इवान्स है जो कि एक कैदी है और वो पेपर देना चाहता है अब कैदी अगर पेपर देगा तो सावधानियां बरतनी होंगी कि कहीं कैदी भाग ना जाए तो उस इसीलिए इसीलिए कह रखा इसी आया है कि भाई गवर्नर ने पूरी सावधानी ली ताकि पेपर सही तरीके से हो सके द एग्जामिनेशन वॉज अरेन्ज इन द प्रिजनर सेल सेल्फ जो कैदी की कोठरी थी उसी में पेपर लिया गया द इवनिंग बिफोर द एग्जामिनेशन जिस दिन पेपर होना था उस शाम को उससे पहले दिन शाम को The cell was thoroughly जो कैदी की कोठरी थी क्योंकि कैदी जिस कोठरी में था जिस सेल में था वही पेपर होना था तो उस कोठरी की पूरी तरह से खूब अच्छी तरह से थोरोली का मतलब खूब अच्छे से उसकी तलाशी ली गई इट वॉज इंश्योर दैट देर वॉज नथिंग ये पूरा मतलब बिल्कुल आश्वस्त हुआ गया पूरी तरह से चेक किया गया कि वहां पर कुछ भी ऐसा ना हो That could help him in his escape. जो उसकी सहायता कर सके वहां से बचकर भाग निकलने में क्योंकि ये जो इवांस है ये तीन बार जेल तोड़कर भाग चुका है इसका नाम ही इवांस, ब्रे, इवांस ब्रेक है। तो इसीलिए पूरी सावधानी ली गई पेपर में ताकि कहीं ये जेल तोड़कर भाग ना जाए जैक्शन जैक्शन कौन है जेल का सीनियर ऑफिशियल है दीनियर प्रिजन ऑफिसर हिमसेल्फ उसने खुद डिड ऑल सर्च जैक्सन ने खुद सर्च किया सारी उसकी कोठरी को भी और उसके कपड़ों वगैरह को उसने खुद खुद से देखा. Evans nail उसने क्या क्या उठा लिया वहां से जो इवानस के नाखून काटने की कैची थी नेल फाइल जो उसकी थी रेजर रिमोट और जो रेजर था उसके पास मतलब जो कोई भी ऐसी चीज जिससे वो किसी को नुकसान पहुंचा सके रिमोट फ्रॉम देअर इवान्स के कमरे से ये चीजें हटा ली गई ये इंपॉर्टेंट है ये मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है क्या क्या कमरे से ये चीजें उठा ली गई इन डिवाइस वॉज पुट अबो द डोर ऑफ द सेल्फ एक ऐसा यंत्र लगाया गया उस कोठरी के दरवाजे के ऊपर सो दट ताकि द गवर्नर कुड हियर ऑल द कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन इन द सेल भाई जितनी भी उस कोठरी में बातचीत हो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पेपर के दौरान वो सारी की सारी गवर्नर को सुनाई दे मतलब पता चलता रहे गवर्नर को क्या बातचीत चल रही है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है <coughs> मैकलीरी अब ये मैकलीरी कौन है ये इनविजिलेटर इनविजिलेटर होता है जो पेपर लेने वाला होता है लाइनमैन जिसको हम कहते हैं पेपर लेने वाला जो अधीक्षक होता है स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन जो पेपर लेने के लिए अधिक से था मैकलेरी उसकी भी खूब अच्छे से तलाशी ली गई गया अच्छी तरह से बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन जब पेपर शुरू हुआ उससे पहले इसकी भी तलाशी ली गई इसकी मैकलीअर की स्टीफन वॉज पोस्टेड एट द डोर ऑफ द सेल जो स्टीफन था ये भी आ, प्रिजन ऑफिशियर है जो कि न्यूली रिक्रूटेड है इसको दरवाजे के ऊपर जो है बिठा दिया गया एक तरह से उसकी कोठरी के दरवाजे के आगे स्टीफन खड़ा था टू सी दैट ये देखने के लिए एवरी थिंग वॉज ऑल राइट इन साइड भी हर चीज जो है अंदर ठीक ठाक चल रही है कि नहीं चल रही अब देखो ये ये प्रिक्वेशन ली गई एक बार दोबारा से बता देती हूँ इवांस की कोठरी की पूरी तरह से तलाशी ली गई उसके जो सीज मतलब नेल सीजर थे नेल फाइल थी रेजर थी उनको वहां से उठा लिया गया मैकलेरी के कपड़ों को और इसको खूब अच्छी तरह से इसको भी टटोला गया कि कोई चाकू वगैरह कोई सीजर वगैरह कोई ऐसी चीज ना हो जिससे इवांस जो है इसको नुकसान और वहां से भाग जाए स्टीफन जो की जेल अधिकारी था उसको दरवाजे के पास खड़ा कर दिया गया ताकि वो सारी चीजें देखता रहे और कुछ भी गड़बड़ हो तो वो बता दे जो आ, कमरा था जिस कमरे में पेपर होना था इवांस का उस कमरे में जो है एक टेलीफोन रिसीवर भी लग, रख दिया गया ताकि जो भी आवाज हो एक ऐसी डिवाइस जो भी आवाज हो वो सीधे गवर्नर की तक पहुंच जाए मतलब गवर्नर पूरी बातचीत को सुन सके तो ये सारी सावधानियां जो है ली गई ताकि इवांस का पेपर स्मूथ हो सके स्मूथ मतलब सही हो सके और इवांस को कोई मौका ना मिले जेल तोड़कर भाग जाने का यह वीडियो थी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद